नमस्कार और आदाब सनीचर। मई के 18 तारीख 7 दिन की खबरें हम आपके लिए पेश करेंगे। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम साहब शबीर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिछले 2 हफ्ते तक मेरे गैर हाजिरी में ये प्रोग्राम वो आपके लिए पेश किए, खबरें आप तक लाए हैं। 7 दिन में खबरें हम आपको ये बताना चाहते हैं। विलियम वैदू जो पार्लियामेंटारियर था पीएल का पंजघर का नेता था, ये बीते हुए सोमवार को ओपन बार फॉर गैदरिंग के दौरान ये ऐलान किए हैं या ऑफिशियल ऐलान किए हैं कि वो अब पीएल का हिस्सा नहीं है, वो दूसरा पार्टी, उनके जो आमने सामने बैठे वाला पार्टी जो है मतलब एनडीपी का साथ वो देने वाले हैं और अब इन लोगों को वो अपना मदद देंगे और इसके साथ ये साफ है कि वो अब सरकार को साथ देना चाहते हैं। विलियम वैदू ये पार्लियामेंट स्पोर्सिटर यैनिफर सिमोन से इतला किए हैं पंचघर में। वाइदू 2015 में ये फी सेफ कॉम्बिनासी में इनका पॉलिटिकल पार्टी पीएल परचाया लुहूर की तरफ से इलाका निकेरी में चुना गया था और तब से ये पंजघर में बैठक ले रहा था। बताने की बात ज़रूर है कि 2015 के चुनाव के बाद कुछ समय बाद रेमोंड सपुन और दीपक शीतन जो पीएल कॉम्बिनासी का भी था या पीएल पॉलिटिकल पार्टी का था, ये सब भी पीएल को छोड़कर एक अनाफंकलक फ्रक्सी बनाए थे और एनडीपी का साथ दे रहे थे और अब वाइदू ने ऐसा किया है। पीएल को 5 सीटल था पंचघर में, अब सिर्फ 2 सीटल से, यह है पोल्सो मोहार्जो का और कॉमोवेल का पार्लियामेंटारियर इंग्रिड कार्ता बेंग का। एक बयान जो पॉलिटिकल पार्टी पीएल ने दिए है, फ्रिक्लारिंग जो दिए है वाइडू को इस कदम उठाने के बाद, ये सब कहे है कि ये फर्स्ट मंथ है, रोज़ा का महीना है, तो बहुत कुछ लोग नहीं कहना चाहते हैं। अफसोस के बात ज़रूर है कि वाइडू ऐसा किए है, लेकिन इन लोगों को इशारा था कई महीनों से, कई दिनों से कि वाइडू मुमकिन ऐसा करने वाले थे, लेकिन पीएल कहते हैं कि पहले देखना चाहिए और उसके बाद इस बारे में बात करना चाहिए और वैसा ही हुआ जिसका लोगों का इरादा या ये लोग जैसे अंदाज़ा लगाए थे वही वाइदू ने किए हैं। अफसोस की बात ये भी है कि हैरानी तो पीएल को नहीं हुआ है, ये लोग कहे हैं, लेकिन अफसोस ये ज़रूर है कि जाबी लोग जो है इन लोगों को जो जाबी लोग है याफान है जो है याफान सखमेंस का जो है इन लोगों से अब जाबी लोगों पर से भरोसा उठ गए हैं और अगर उठ गए हैं तो इस पर सुमोहार जो ये कहे हैं कि 10 जाबी लोगों को पार्टी को छोड़ने से बाकी का जो 70,000 है ये सब गद्दार तो नहीं बन जाते हैं, तो ज़रूर अभी तक भरोसा करना चाहिए क्योंकि सिर्फ 10 लोग इसमें से निकले हैं, लेकिन 10 लोगों को निकलने से अभी 70,000 जाबी लोग हैं जिस पर ये सब भरोसा कर सकते हैं। SPSB सुरीनाम से पोस्टपार्ट बैंक के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है, कितना घोटाला, कितना गोलमाल वहां पर हुआ है, बेकानूनी काम वहां पर हुआ है। इसी समस्या के बारे में प्रेसिडेंट देसी बौद्ध सोमवार 13 तारीख मई को बातचीत किए हैं प्रेसिडेंट शेल पैलेस में। बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट के अलावा वहां पर मौजूद था मिनिस्टर योसित्सी और पॉलिसी का और फिनांसियन का। द पेहे यानी प्रोक्योर जनरल वहाँ पर भी मौजूद था, प्रेसिडेंट सेंट्रल बैंक फन सुरीनाम का और रेगेरिंग्स कमिसारस सेंट्रल बैंक का भी इस बातचीत के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। इस बातचीत के बाद सरकार ने यह फैसला लिए है, सरकार बताई है कि प्रोक्योर जनरल को सभी कागजात दी गई है ये फोर ऑन द शुक करने के वास्ते, जो बंक में हुआ है क्या वास्तव में यह सब हुआ है और कागजात से यह पता चलेगा कि SPSB यानी सुरीनाम से पोस्टपार्ट बैंक के मामला है, इसी के बारे में बात हो रहा है जहां पर यह गोलमाल हुआ है। ये फोर ऑन द शुक से पहले मिनिस्टर फिनांसियन का क्लर्क को सेंट्रल लंस अकाउंटेंट्स डीन्स को भी कागजात दे चुके थे, यहाँ पर खोजबीन करने को अकाउंटेंट्स कंट्रोल लुचमान के साथ ये खोजबीन हुआ है, इन लोगों से गुजारिश किया गया था इंटरन ऑन द शुक के वास्ते। अगर ऐसा पता चलेगा कि वास्तव में SPSB में यह सब हुआ है तो ये बेकानूनी काम जो हुआ है तो जैसे कि ओपन बार मिनिस्टेरी इस पर छानबीन करेगा और इस पर लोग कदम उठाने वाले हैं, सरकार लोग कुछ कदम उठाने वाले हैं, अपना सजा सुनाने वाले हैं। ओपन बार मिनिस्टेरी के तरफ से यह सिर्फ रख तलक ओंदर शुक आएगा।
जिन लोगों जिम्मेवार थे एसपीएसबी के पास, सुरिनाम से पोस्टपार बैंक के पास, उन लोगों को इस छानबीन से दूर रखने के लिए इन लोगों को प्रेसिडेंट देसी बौद्ध ने कहा है फर्लॉफ से छुट्टी से भेजा गया है। वैसे ये भी कहा गया है जनता को जानना चाहिए कि सरकार इस मामले पर पूरे गंभीरता से गौर कर रहा है और ये सब ज़रूर इसमें अगर गलत काम हुआ है तो कदम उठाएंगे। एक फुटहंगर का देहांत यातायात में हुआ है एतवार 12 तारीख मई को। यह हादसा जो हुआ है क्रॉसिंग रिंगबेक सर्ट और बोर बाउटनबेक के मोड़ पर, यह आदमी सड़क पर लेटा हुआ था। पुलिस जब वहां पर पहुंचे है तो ये पता चला है कि एक हिंदुस्तानी आदमी है, दुबला पतला आदमी है, इसका लंबाई लगभग 1.7 मीटर तक है और उम्र लगभग 45 साल, 54 तक यार का, एक ब्लाउ रंग का जीन्स और एक ब्लाउ टी शर्ट और भी स्वार्थ स्पोर्ट्स खुनन ये पहरे हुए थे। अभी तक नहीं पता है इनका आइडेंटिटी, ये आदमी कौन है अभी तक पुलिस को नहीं पता है। पुलिस के खोजबीन से यह पता चला है कि मुमकिन एक मोटर गाड़ी इनसे टकराया है और इनको वहाँ पर छोड़कर ये गाड़ी जो भाग रहा था, यह आदमी अपना गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया है। पुलिस से इनका लाश उपनबार मिनिस्टर के कहने पर ये कब्जे में लिए है और खोजबीन जारी है। यह फिरकेश 12 मीटर इस आदमी के देहांत हो जाने से 27 सेफ नंदविन तक पर आकर पहुँच गए है। परिवार जो है इस आदमी का या जो कोई इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं, इसको पहचानते हैं, आप लोगों से गुजारिश किया जाता है आप फिरकेश यूनिट रेहियो पर हमारी वो से तालुकात कर सकते हैं। तार का नंबर 43 33 81 पर आप तार कर सकते हैं। अगर आपके पास इस हादसे के बारे में कोई जानकारी है या इस आदमी को आप जानते हैं। फ्रांस दुआन जो है ये डाउन कैरकन में 492 किलोग्राम कोकाइन कब्जे में लिए है। ये कोकाइन एक कंटेनर पर था जिसमें केला बनाना लोग एक्सपोर्ट किए थे। ये सुरिनाम देश से कंटेनर गए हैं और एक तुसो स्टॉप हुआ है ग्वादलूप के हाफन में, उसके बाद फ्रांकरेक ये कंटेनर गए हैं। लोग नीचे के बोदम काट कर ये कोकाइन इसमें से निकाले है। वैसे ये कोकाइन 8 अप्रैल को कब्जे में लिया गया है, लेकिन पिछले हफ्ता या इसी हफ्ता मंगल को फ्रांस मिनिस्टर जो है ये जानकारी हमें दिए है। फ्रांकरेक ये कहते हैं कि इस पर अब लोग कड़ी नज़र डालने वाले, इस पर गौर किया जाएगा और ज़रूर कदम लोग उठाएंगे। ये कोकाइन जो सुरिनाम देश के कंटेनर्स में कई बार मिल चुके हैं, इसको लोग कम करना चाहते हैं या इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं कि ये स्मोकल नहीं हो, इस पर लोग ज़रूर पाबंदी लगाना चाहते हैं। विल्हेल्मिना स्ट्राट में 5 तारीख मई एतवार 5 मई को एक ड्राइव बाय शूटिंग जो हुआ था ऑन द रन के पास या पम्प स्टेशन के पास, इसमें एक नीदरलैंडर डेनिस ग्रुनफेल्ड 49 साल 49 का और एक सुरिनामर 18 कादिशा प्रिका, इन दोनों के देहांत हो गए। इन दोनों पर गोली चलाया गया था। इस मामले में पुलिस खोजबीन अभी तक कर रहा है। दो लोग गिरफ्तार हुए थे, एक औरत और एक मर्द। इन लोगों के बयान लेने के बाद पुलिस लोगों को वापस भेज दिए हैं। वैसे अब तक के जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी पुलिस को है कि आदमी जो गोली चलाए हैं, एक पर्सोन ऑटो एक निसान फुगा में से ये गोली चलाया गया है। ये गाड़ी आए है वहाँ एसओ अंदरन के पास, जब ग्रुनफेल्ड और प्रिका के करीब आए है तो गाड़ी में से गोली चलाकर और तेजी से गाड़ी से वहाँ से चल गए है। ये मोटर गाड़ी या निसान फुगा जो है कुछ देर बाद ये परमारिबो नॉर्थ में मिला है, इसमें आग लगा था, ये मोटर गाड़ी जल रहा था। पुलिस को ये शक है कि इस जलता हुआ मोटर गाड़ी और इस कत्ल से दोनों में ताल्लुक है, दोनों में संबंध है, आगे खोजबीन हो रहा है। फरेनहिंग फन मेडिसी के पास एक नया बस्तूर चुना गया है। मई के 8 तारीख 8 मई को सेक्सी अल्खमीन आर्टसन जो है फरेनहिंग फन मेडिसी इन सुरिनाम के पास, ये सिर्फ एक नया सेक्सी बस्तूर को चुने हैं। बस्तूर का फोर्सिटर मुकेश सिम्बुदत पांडे और बाकी के नए लीडन हैं संध्या रामनारायण, अमर रामाधीन, एडी वोंगशंग, रितेश धनपत, बैरिल मॉरिस और दीपक गंगाधीन। बस्तूर का लक्ष्य जो है, नया बस्तूर जो है, इन लोगों का लक्ष्य जो है
hoofdbestuur VMS, Vereniging van Medici, के साथ मिलकर और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर गेजोंथेटसोरग जो है लोगों का जो इलाज है सूरीनाम देश में इसको और बेहतर करने के लिए और उमदा क्वालिटी का गेजोंथेटसोरग हर एक जनता को सूरीनाम देश के जनता को देने के लिए। अत इंटरिम मिनिस्टर एल्फेफे का रोनी बेंसहॉप ये एक खत दस्तखत किए हैं और इस खत में इफोन राम नारायण जो है अंदर डायरेक्टर लैंडबाउकुंडोग अंडरशुक अफसेट एंड फरवर्किंग मिनिस्ट्री फन एल्फेफे के पास इनको पदवी से निकाला गया है, इनको काम से निकाला गया है। ये रोनी बेंसहॉप बताए हैं कि यह फैसला लिया गया है प्रेसिडेंट देसी बाउटर्श के कहने पर, इनसे बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया है। वैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कहा गया है कि इसके या काम जो है नौकरी के फ़ायदा को देखकर ये फैसला लिया गया, इन बलंग फंड दिनस्त ये फैसला लिया गया है इनको पदवी से निकालने के लिए, इफोना राम नारायण ओदी को पदवी से निकालने के वास्ते। एल्फेफे का पर्सनल जो है यह बात को सुनकर काफ़ी हैरान हुए हैं और ये भी कहा गया है कि राम नारायण जो है ये आखिरी अक्तिफ़ अखरनोम था मिनिस्ट्री के अंदर, आखिरी अक्तिफ़ यानी जो काम कर रहा था उस वक्त ये अखरनोम था एल्फेफे के अंदर। वैसे एक्स मिनिस्टर एल्फेफे का लेखराम सुरजन ये भी अखरनोम है, ये 9 तारीख अप्रैल को अपना पदवी जो है अपना पोर्टफोलियो जो है ये प्रेसिडेंट देसी बौद्ध के हवाले किए थे। राम नारायण जो है ये वर्णिमन डायरेक्टर दीपक जयराम के हवाले ने किया गया है, ये अपने ऑनथैफिंग्स रेसोल्यूसी के इंतज़ार में है। अभी हाल ही में 2 अम्बेसडर्स जो है प्रेसिडेंट इन लोगों को नियुक्त किए हैं, बेदख किए हैं। इसमें एबू जोन्स जो है खुयाना का नया अम्बेसडर जो है सूरीनाम देश का अम्बेसडर खुयाना में, ये अपना खलोस ब्रीफन पेश किए हैं प्रेसिडेंट डेविड ग्रेंजर को और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिए हैं। जोन्स अपने बातचीत के दौरान कहे हैं कि ख़ासतौर पर ख्रेंस क्वेस्टी के बारे में वो बातचीत करने वाले हैं, इस पर गौर डालने वाले हैं आने वाले दिनों में। निकेरी में एक 64 साल का ब्रह्म फिक्सर बिसुन शिवदत्त का देहांत सोमवार के रात में हुआ है, यातायात में इनका देहांत हुआ है। ये एक वाहतर पहरा डाल रहा था एक रेस ड्राइव के पास, वहाँ का पहरेदार था, यह ब्रह्म फिक्स पर था और मिथनस्तान स्पोल्डर में ये सड़क पर गिर गया है और ये ज़्यादा तौर पर घायल हुए थे, इसके वजह से इनका देहांत हो गया है। इनके देहांत हो जाने से फरकेश बारोमीटर 28 पर आकर पहुंच गए हैं। मिनिस्टर स्टेफन संग जो है हंडल इंडस्ट्री और टूरिज्म का ये पंचघर में कहा है मंगल को बखरोतिंग्स बहंडलिंग के दौरान जो है ये कहा है कि जो फेरको पुंटन है सूरीबैद का और टेक चेंज लोटर रेयन का, इसमें वो ऑर्डनिंग लाना चाहते हैं, वो पाबंदी लगाना चाहते हैं और इस पर ये बद्रैफन जो है वैत बद्रैफन एंड बरूपन ये कानून जो है बद्रैफन एंड बरूपन इन लोगों पर ये जो फेरकोपन है इन लोगों पर लागू रहेगा। दे एन आ लेदन जो है पंचघर का अनेक नेता जो है इस बारे में काफ़ी कटास किए थे, अपना चिंता लोग जाहिर किए थे कि इन लोगों को बहुत अफसोस है कि इतना ज़्यादा फेरकोपन सूरी चेंज का और भी या सूरी बैत का माफ करना सूरी बैत का और टेक चेंज का ये दिन पे दिन निकलते हैं, लोग कायम करते हैं खड़ा करते हैं और ये फेरकोपन दिन पे दिन जो बढ़ता जाता है तो लोगों को इस पर इस बारे में काफ़ी चिंता हो रहा था, लेकिन अब मिनिस्टर स्टेफन संग कहे हैं कि इस पर पाबंदी लगाया जाएगा। पार्लियामेंट का फोर्सिटर पंचघर का सभा नेत्री यानी सीमोंस के पिछले हफ्ता या इसी हफ्ता पंचघर में कहा है कि असेंबली लेदन को बफेलहिंग मिलेगा और यह है मिलिटेरन के जरिए, इन लोगों की हिफाजत के लिए मिलिटेरन को काम पर रखा जाएगा। असेंबली लेदन जो है इसमें से ख़ास तौर पर या इसमें से फ्रक्सी लेदर जो था अम्द्रे मेसिकावा इनको कई दिनों से मिलिटेर बवाकिंग मिल रहा था, पहले से था। इस बारे में जब बातचीत हुआ है सवाल किया गया पंचघर में तो फोशेतर ने ये प्रस्ताव लोगों के सामने रखे, ये कहा है कि सभी पार्लियामेंटारियर्स को बवाकिंग मिलेगा।
इस बारे में आंद्रे मेसिकावा बताए कि इनको धमकी मिला था और इसलिए ये अपने हिफाजत के वास्ते ये मिलिटेरा बवाकिंग का मांग किए थे। वैसे सरकार का जो खर्चा है इतना ज़्यादा है और इस पर अब और दबाव आएगा अगर सभी पार्लियामेंटारियंस को सरकार के खर्चा पर बवाकिंग मिलेगा, बफैल खिम मिलेगा। पीएल का पार्लियामेंटारियर फोरशेतर असेंबली पौल सोमोहर जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल कोई हिफाजत नहीं चाहते हैं, मिलिटेर बवाकिंग वो नहीं चाहते हैं। ये कहते हैं कि उन्हें कुछ डरने की बात नहीं, वो ड्रग्स के कारोबार नहीं करते हैं और वो ऐसे वैसे जगह पर नहीं जाते हैं, तो इनको डरने की कोई बात नहीं, इन्हें बफेल हिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनको लगे कि इन्हें बफेल हिंग की ज़रूरत है, एक पहरेदार एक बवाकर की ज़रूरत है, मिलिटेर के जरिए इन पर पहरा डालना चाहिए, तो वो खुद एक बवाकर को नौकरी पर ले लेंगे, जैसे कि वो एक शोफ़ियर को इस वक्त लिए हैं। और ये पैसा जो शोफ़ियर का वो खुद भरते हैं, सरकार की जेब से नहीं आते हैं, तो ऐसा भी अगर बवाकर का ज़रूरी पड़े तो वो खुद के लिए एक बवाकर काम पर ले लेंगे और इसको पैसा वो खुद भरेंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंटारियन है और ये खर्चा वो उठा सकता है, इतना तो वो कमाते हैं कि वो अपने हिफाजत के वास्ते लोगों को पैसा भर सकते हैं। पौल सोमोहर जो ये कहे हैं कि ये प्राइवेसी उनका जो है वो उनका बहुत प्रिय है, वो अपना प्राइवेसी चाहते हैं, उन्हें नहीं पता है आजकल के यह ज़माने में जब लोग इतना गद्दारी करते हैं और लोगों पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी को अनजान आदमी गैर आदमी को अपने आसपास, अपने परिवार के आसपास या अपने घर पर नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसी को पर वो भरोसा नहीं करते हैं और किसी को यह जानने के भी ज़रूरी नहीं है कि इसके घर पर कौन आता है और कौन जाता है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध अपना मिनिस्टर्स टीम बदले हैं, इस पर कुछ बदलाव आए हैं, चार नए मिनिस्टर्स बैठाए गए हैं, अनजान लोग नहीं हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि देश और विदेश की तरक्की देखकर ऐसा उन्हें करना था, इसलिए वो फैसला वो लिए हैं। प्रेसिडेंट बीफे को नियुक्त किए हैं नया एनहा का मिनिस्टर, रखिलियो डॉटसन के जगह पर सर्खियो अकिम्बोतो को बैठाया गया है। पैट्रिक पेंगल जो ओपनबार वर्कन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मिनिस्टर था, इनके जगह पर ओवे पर अब विजय छोटकन बैठक लेंगे, मिनिस्टर नया है। सुशाल साकन पर क्रिस्टीन पोलाक था, इसके जगह पर अब आंद्रे मिसिकावा नया मिनिस्टर है। सुशाल साकन इन फॉलोक्स हाउस फेस्टिंग का और एलफीफी पर सुरजन के जगह पर रबिन परमेसर बैठक लेंगे, नया मिनिस्टर एलफीफी का है। सुरजन को एक स्विच यहाँ पर हुआ है, सुरजन को अब रोलिना समसुजीन जो एरखीबे का पदवी पहले से छोड़ दिए थे, सुरजन अब वहाँ पर बागडोर संभालने वाले हैं, नया मिनिस्टर है एरखीबे का। वैसे इन लोगों का बेद खेंग पर जो अकिम्बोतो है, सर्खियो अकिम्बोतो है, ये एक बयान दिए है, ये पदवी या जिम्मेवारी संभालने के पहले, मिनिस्टर का जिम्मेवारी या पदवी संभालने से पहले वो एक बयान दिए है और वो कहते हैं कि एक अंतसदंत उन्दशुकाई है, पुलिस खोजबीन करती है कि कभी कोई गैर कानूनी काम आप नहीं किए हैं मिनिस्टर बनने से पहले, ऐसा हर एक का होता है। तो यह अंतसदंत उन्दशुक के बाद ये पता चला है कि लगभग 10 साल पहले ये गुस्से में आकर अपने बीवी, तब उनके बीवी नहीं थे लेकिन अब उनके बीवी इनके पत्नी है, उस पर वो हाथ उठाए थे और इनके बीवी इनके खिलाफ पुलिस में जाकर नालिश किए थे, रिपोर्ट लिखवाए थे। तो ये बताए हैं कि ये अंतसदंत उन्दशुक के दौरान ये मामला फिर ऊपर आए हैं और वो कहते हैं कि वो अपने बीवी से बातचीत करके यह मामला सुलझा चुके हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दिए हैं और अब वो उनके बीवी है क्योंकि दोनों शादी भी कर लिए हैं। तो वो ये बात कहे हैं मिनिस्टर के एक अफलाहिंग से पहले, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि जब ये अपना काम शुरू कर दे तो ये बात लोग के साथ लोग इनको ताना दे, इस पर कोई भी लोग कदम उठाए या ये बात इस्तेमाल किया जाए, इस पर लोग कटास करेंगे, इसको ताना देंगे।
वैसे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, तरोर फरदख्त का जो मामला है, दो लोग जो गिरफ्तार हुए थे क्योंकि कहा गया था इन लोगों पर शक है कि इन लोगों को इस के साथ कुछ संबंध है, ताल्लुक है इस मामले में, जो कई दिनों से चल रहे हैं। मैंने कंटोन रेख्तर अलीदा योहान्स जो है, ये सुक्को नासर ई, दोनों भाइयों जो कैद में थे, हिरासत में थे पुलिस के, नासर ई को रिहा किया गया है। ये कहा गया है कि इतने दिन कैद में रहने के बाद अभी तक ये कंटोन रेख्तर ये कहे हैं कि पूरा तौर पर साबुत नहीं है कि इन लोगों का कोई संबंध है या टेरर और खानी साजिश से, तो इनको अब रिहा किया गया है और परिवार इस बात से बहुत खुश है। ये लोग उम्मीद करते हैं, परिवार उम्मीद करते हैं कि जल्द में राहुल आ को भी रिहा किया जाएगा। और ये हम आपको भी बताना चाहते हैं, आज के खबर में ये सुनने में आया है, लोग बहुत से ऐसे अफवाह फैलाए हैं, बातें कहे हैं कि विलियम वाइदू जो अब एनडीपी फ्रॉक्सी को, एनडीपी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले, इसका साथ देने वाले पंचगढ़ में, इनको एक फोर्थ रेंजर और कुछ पैसा मिला है। वाइदू कहते हैं यह बिल्कुल सच बात नहीं है। ख़त्म होता है आज के वास्ते 7 दिन। जाने से पहले तमाम मुस्लिम भाई बहनों, इस पाक महीना में रोज़े का महीना है, यह बरकत वाले महीना है। जितने लोग ख़ास तौर पर रोज़ा रखते हैं, हर एक को माह रमज़ान मुबारक हो। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।